गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हैं मुक्तेश्वर के विलेज में। देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है। कल पूरी रात बारिश हुई है यहाँ पर, जैसा कि स्नो का प्रिडिक्शन था। स्नो हल्की हल्की हुई है बट बारिश पूरी रात हुई है कल। तो आज बहुत ही चिल्ड वेदर है। आज देखिए मॉर्निंग में अभी 10 बज रहे हैं और देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है चारों तरफ कोहरा है, फॉग है। कल ऊपर वाले एरियाज में हो सकता है स्नोफॉल भी हुआ हो। ये हमारे बिल्कुल सामने जो है, होटल के बिल्कुल सामने जो है हिमालयन रेंज दिखाई देती है, बट अभी फॉग होने के कारण यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी माउंटेन नजर नहीं आ रहे हैं। आज का काफी ज्यादा प्रिडिक्शन लगाई जा रही है कि आज जिस तरह का वेदर है, इस वेदर में स्नोफॉल 100% होना चाहिए। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे को भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मुक्तेश्वर आना चाहते हैं तो आप नैनीताल से टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी से 2 घंटे लगते हैं यहाँ तक आने में। अगर रास्ता क्लियर मिलता है आपको तो आप 2 घंटे में इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ पर आके आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर देखने के लिए मुक्तेश्वर धाम है, मुक्तेश्वर मंदिर है, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पर है। अभी अगर वेदर ठीक हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर जाएं।